गुड आफ्टरनून एवरीवन, एम आई ऑडिबल? बहुत बढ़िया। कैमरा कुछ ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है आज। ओके, कहां तक और क्या क्या पढ़ चुके थे अपन? ये लिखवा दिए थे तुम्हें प्योर रोलिंग में, बाकी वो सब लिखवा दिया था ना ट्रांसलेशन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? नहीं, आज मॉर्निंग की क्लास अभी है। मॉर्निंग में यार वो ना कुछ क्या पता क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, लिंक ओपन ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत देर तक ट्राई करता रहा, 7:20 के आसपास मैंने मैसेज किया तुम लोगों को शायद। खैर कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। अभी अपन आए के थोड़ा आगे चले के काम की बात करें। अच्छा, प्योर रोलिंग की बात कर रहे थे। प्योर रोलिंग पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है सर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वो कंडीशन है कि जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है वहां पे वेलोसिटी सेम होना चाहिए। इट मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन। इसका मतलब फ्रिक्शन एकदम मजे से जीवन काटना चाहिए। अरे यार बोलो यार, क्लियर है क्या? तो यहाँ पे कुछ नोट लिखेंगे अपन फ्रिक्शन के बारे में। इतना भी अगर तुम्हें पता है तुम्हारा काम सही से चल जाएगा, ठीक है? पहला नोट क्या है देखो, ध्यान से देखो सभी लोग ध्यान से देखो प्लीज। पहला नोट, इफ वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, वी सी ओ एम ज्यादा क्लियर होगा। ये रोलिंग मोशन हो रहा है एंड इफ वी सी ओ एम इक्वल्स टू ओमेगा आर, ऐसा होता है कि वी सी ओ एम बराबर क्या होता है? ओमेगा आर होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हाँ बेटे बोलो, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम कहेंगे फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्टैटिक इन नेचर, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to μs into n, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, फर्स्ट पेज है, राइट? इन केस देखो चीजों को समझना प्लीज सभी लोग, आप लोग ध्यान से, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, आप लोग सभी लोग प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। ये मोशन हो रहा है, मान लो यहां पे म्यू इक्वल टू जीरो है और 10 m/s से चल रहा है, क्या होगा? ये डिस्क मान लो, सिलेंडर मान लो, स्फीयर मान लो, जो कि 10 m/s से चल रहा है, शुरुआत में कोई ओमेगा नहीं है और फ्रिक्शन जीरो है, क्या होगा थोड़ी देर बाद? वेरी गुड, वेरी गुड, इट विल कीप मूविंग एज इट इज। रोलिंग क्यों होगी मेरे भाई? फ्रिक्शन तो है ही नहीं। मैं कुछ यहां पे तुम्हारे दिमाग के भ्रम तोड़ूंगा, ठीक है? अच्छा, ये ऐसा है। अब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अब क्या होगा? देखो कि सेकेंड केस, यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज्यादा हो गई ओमेगा आर से, मान लो अपन ने एक बॉल को फेंका और इस अनुसार फेंका
ठीक है, बॉल को इस अनुसार फेंका कि ये इसका ओमेगा था और ये इसका वी था। ठीक है, अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? अगर वी ग्रेटर देन ओमेगा आर है तो, और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? देखो सभी लोग देखो, वी ग्रेटर देन ओमेगा आर है मतलब सेंटर ऑफ मास ज्यादा तेजी से भाग रहा है ना आगे, सेंटर ऑफ मास ज्यादा तेजी से भाग रहा है आगे, और सेंटर ऑफ मास ज्यादा तेजी से आगे भाग रहा है तो जो फ्रिक्शन का टॉर्क जमीन पे लग रहा है वो इसे रोकेगा ना। जो फ्रिक्शन का टॉर्क यहां जमीन पे लग रहा है वो इसे रोकेगा ना, और कब तक स्लो करता रहेगा वी को? फ्रिक्शन टॉर्क इंक्रीज ओमेगा एंड एक्ट अपोजिट टू वी कॉम, और ये जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है क्या बात? इसकी वैल्यू फिक्स होती है म्यू के एम जी, म्यू के एन, ये जीरो वीरो कुछ नहीं होती, सीधे म्यू के एन। सिमिलरली यदि वी कॉम इज लेस देन ओमेगा आर है तो हम क्या कहेंगे? सर अगर ऐसी सिचुएशन है तो फ्रिक्शन टॉर्क विल एक्ट टॉर्क विल एक्ट अलोंग वी एंड डिक्रीज ओमेगा, और जब तक डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज और इंक्रीज कब तक करता रहेगा? जब तक कि ये वी बराबर ओमेगा आर नहीं हो जाता। लिखो इस बात को सभी लोग कॉपी में। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं एक, इससे अपन पूरी फील लेंगे सिचुएशन की। ठीक है, ये चल रहा है पार्टिकल वी से, सरफेस पे फ्रिक्शन जीरो नहीं है, कुछ दूरी चलने के बाद प्योर रोलिंग स्टेब्लिश हो जाती है, वी नॉट मान लो। वी बराबर ओमेगा आर स्टेब्लिश हो जाता है प्योर रोलिंग यहां से। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम कितना लगेगा टाइम टू अचीव प्योर रोलिंग, एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना, दिमाग लगाना। अचीव प्योर रोलिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, क्वेश्चन बता दूंगा मैं इसलिए जल्दी लिख लो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी बता दो, वर्क डन भी बता दो, चलो सब सीख लेंगे एक ही शॉट में। जल्दी बेटा क्विकली जल्दी से क्वेश्चन। डिस्क है मास एम की, रोल करती हुई गई, प्योर रोलिंग की बहुत सारी बातें तो हमने सीख ली बेटा। चलो देखते हैं, सभी लोग ध्यान दो, पूरा एक बार में समझेंगे, जितनी चीजें पढ़ी थी सब एक बार में क्लियर करेंगे। जल्दी देखिएगा सर, अगर हम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा क्योंकि ये स्लाइड कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है, और फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन चाहेगा कि दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन कम से कम हो, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है भैया, बड़ा मजा आया ये सुन के। अगर फ्री बॉडी बाय डायग्राम बनाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे, टेकिंग टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता हूं मैं,
तो क्या आता है F इंटू आर का टॉर्क बराबर आई अल्फा, बोलो F आर एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा, अल्फा बराबर कितना आ गया 2F/mR। क्लियर है क्या इतना? इसको क्या लिख सकते हैं 2μmg/mR, m से m गया, अल्फा इज इक्वल्स टू 2μg/r। क्लियर है क्या इतना? अब हुआ क्या है, ये तो इस पॉइंट पर अपन ने बात कर ली। हुआ क्या है, एक बॉल को हमने स्लाइड करके छोड़ दिया, यहाँ पे समय था टी बराबर जीरो, टी बराबर टी समय पे हमने ये देखा कि प्योर रोलिंग स्थापित हो गई और छोड़ा था वी नॉट से, यहाँ आते आते वेलोसिटी हो गई वी। ठीक है, तो इनके बीच में अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग करूं तो एफ नेट बराबर एम ए, एफ के इक्वल्स टू एम ए, तो एक्सिलरेशन आया है म्यू जी के बराबर नेगेटिव, हाँ कि ना? एक्सिलरेशन आया है म्यू जी के बराबर। अगर मैं यहां से इक्वेशन लगाऊं तो वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर माइनस म्यू जी टी लिख सकता हूं। अरे यार क्या मैं सही बोल रहा हूं? अरे क्या लिख रहा हूं मैं, वी स्क्वायर क्यों, वी आएगा सिर्फ। अरे वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ओमेगा फाइनल बताओ, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी होता है, ओमेगा फाइनल इज वी बाय आर, ओमेगा इनिशियल इज वी नॉट बाय आर, प्लस अल्फा कितना है, अल्फा आया 2μg/r इंटू टी। क्लियर है क्या था सभी को? जरा सॉल्व करो, आर 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 कैंसल हो गया। अब जरा सभी लोग सॉल्व करो और बताओ मेरे को क्या है। एक दो मिनट, एक छोटा सा करेक्शन करो, ओमेगा इनिशियल तो जीरो है ना, शुरुआत में तो रोल कर ही नहीं रही थी, सॉरी, दिस इज अल्फा एट टी इक्वल टू टी है ना, इस समय पे हमने अल्फा निकाला है। ठीक है, अब सी देखो, आंसर सामने ही दिख रहा है मुझे तो, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? वी की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, 2μgt+μgt इक्वल्स टू वी नॉट, और ये वी फाइनल इज वी नॉट, सॉरी एक दो मिनट, और ये क्या लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा। चलो सॉल्व करो अब तुम लोग आगे, इतना मैंने बता दिया। ठीक है, यहां तक ठीक है सब कुछ जो मैंने लिखा है? अब इसके आगे देखो, टी की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में डालते हैं। टी की वैल्यू क्यों डाल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे वी चाहिए वी नॉट के टर्म्स में, क्वेश्चन में साफ पूछा है। तो वी बराबर वी नॉट माइनस म्यू जी V अपॉन में 2μg, तो μg से μg कट गया, V नॉट माइनस V बाय 2V, तो ये क्या आ रहा है 3V/2 इक्वल्स टू V नॉट, तो V फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई V2V0/3। क्या फाइनल वेलोसिटी आ गई सभी की 2V0/3? अगर फाइनल वेलोसिटी आ गई तो ओमेगा लिखना एक मिनट का काम है, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर, तो ओमेगा फाइनल कितना हो गया 2V0/3R। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और अगर ये आ गया तो तुमसे पूछा है थीटा एंगल टर्न हाफ अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल ओमेगा जीरो है, फाइनल ओमेगा की जरूरत नहीं है इक्वेशन में, हाफ
अल्फा कितना है, 2 म्यू जी बाय आर, और टाइम का स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर 4 म्यू जी का स्क्वायर। ये गया इससे ये तो एंगल टर्न कितना हो गया सर, जो एंगल टर्न हुआ है वो हो गया थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर म्यू जी 4 आर म्यू जी वी स्क्वायर। क्लियर है क्या, एंगल टर्न सभी को? कोई तुमसे अगर पूछ लेता कि बताओ ये लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, तुम क्या बोलते, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ये रहा टी ये रहा। अरे यार हाँ ना बोलो, इसमें कहीं भी बीच में तुम ए टी इक्वल टू ये वाला ए इक्वल टू अल्फा आर लिख सकते हो क्या, क्योंकि शुरुआत में प्योर रोलिंग कहां थी, शुरुआत में तो प्योर रोलिंग नहीं थी। हाँ टी इंस्टेंट पे हम सारी पंचायत लिख सकते हैं, लेकिन टी इंस्टेंट के पहले ये लिख नहीं सकते। आई बात समझ में सभी को? हाँ ना बोलो, बोलो ना यार जल्दी, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? क्या ऐसे ही पढ़ा था हमने, ऐसे ही निकाल रहे थे चीजें? अच्छा अगर वो तुमसे पूछ लेता काइनेटिक एनर्जी, पूछ लेता काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के दौरान प्योर रोलिंग हो गई, और आपने बताया था कि जब प्योर रोलिंग होती है या कंबाइंड ट्रांसलेशनल पर रोटेशनल मोशन होता है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाते हैं और साथ साथ हाफ आई एम वी स्क्वायर भी लिखते हैं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज अबाउट सेंटर ऑफ मास, हाफ आई कॉम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी कॉम स्क्वायर, यही पढ़ाया था सर आपने हमें, अच्छे से ध्यान है? अरे बोलो यार, तो हाफ डिस्क है ना ये, हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल कितना आया है, ओमेगा फाइनल ये रहा 2 वी नॉट का स्क्वायर बाय 9 आर स्क्वायर प्लस हाफ एम। तुम लोग देखना मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी से चल रहा है वी कॉम, बोलो यार टक्कर के बाद, अगर इससे चल रहा है तो हाफ एम 4 वी नॉट स्क्वायर बाय 9। क्या मैंने सारा डेटा सही पुट करा है क्या, क्या मैं कैलकुलेट कर दूं क्या, 1 2 1 1 1 एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9 प्लस 2 एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9 राइट, 3 एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9 सही लिखा है क्या, मैंने देख लो यार एक बार, एम वी नॉट स्क्वायर बाय 3 और ये कितना है एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर आपने हजारों बार पढ़ाया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय अदर, वर्क डन बाय इंटरनल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सब कुछ इसी की उसे लिखते हैं हम, बोलो यार। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन, फाइनल आ गया एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6 माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2 वर्क डन, और ये नेगेटिव आ रहा है माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6, हाँ या ना बोलो, नेगेटिव आने का मतलब है यही वर्क डन है जो कि फ्रिक्शन में लगा है, यही वर्क डन है जो जमीन के फ्रिक्शन में लगा था, हाँ या ना। क्या इतनी ही बातें पढ़ी थी हमने सर, एक बात और पढ़ी थी आपने, पढ़ाई नहीं हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना, तुम लिख दो ना तो एंगुलर मोमेंटम, तुम लिख दो ना यार फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, जल्दी लिख के बता दो। चल यहां तक समझ में आया सभी को, प्योर रोलिंग की कहानियां समझ में आई क्या थी क्या नहीं, सभी बच्चे को जितने क्लास में बैठे क्वेश्चन समझ में आया हम क्या पढ़ रहे हैं, हर कोई जवाब दे दो अच्छे से, कहानी क्लियर है प्योर रोलिंग की? बहुत बढ़िया,
अब तुम लोगों को मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाया था कि नहीं बताओ। एक क्वेश्चन मुझे इसके बता दो। और इसका रिजल्ट याद रखना अपने जीवन में। ये पी पॉइंट पे थीटा एंगल है, वी बराबर ओमेगा आर चल रहा है, ठीक है, वी बराबर क्या चल रहा है, ओमेगा आर चल रहा है। फाइंड द नेट वेलोसिटी, फाइंड द नेट वेलोसिटी एट पॉइंट पी, जल्दी से बताओ, वैल्यू बताना मुझे जल्दी से। जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था इसमें हम क्या यूज करना सीखे हैं सर, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था इसमें हम यूज करना सीखे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन और प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट। एफ इक्वल टू एम ए किया, टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा किया और इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। बोलो यार, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाएंगे तो बन जाएंगे क्या? चलो पहले ये एक छोटा सा टॉपिक था जो बचा हुआ था मैं बता देता हूँ। इधर देखो, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, दिस इज वी, ये वी होगा और ये ओमेगा आर होगा, राइट? बोलो यार, अगर मैं कंबाइंड डायग्राम बनाऊंगा तो ये ओमेगा आर होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट विल बी द नेट वेलोसिटी, तो सर हमें इतना तो नहीं आता लेकिन हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर एडिशन होती है, तो यहां पे लिखेंगे v बराबर ओमेगा r है तो v का स्क्वायर प्लस ओमेगा r का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ v ओमेगा r cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, राइट? अब v और ओमेगा r सेम है तो मैं इसको पूरे इक्वेशन को v से ही रिप्लेस कर देता हूं, साइन थीटा अंडर रूट में लिखेंगे तो वी बाहर आ गया, टू प्लस टू साइन थीटा, तो वी इंटू टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये आइडेंटिटी हो जाएगी क्या? तो क्या आ रहा है आंसर बताओ यार, सभी लोग जल्दी, क्या आ रहा है आंसर? करा है क्या हमने ऐसा पहले कभी पढ़ा है? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय टू होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, सही बोल रहा हूं ना मैं? तो ये क्या आ गया, 2 वी कॉस थीटा बाय टू इज द टोटल वेलोसिटी। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, कभी पूछ लिया जाता है, तुमसे बनना चाहिए बे, ठीक है, बाद में ना कहना, क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं थोड़ा सा अपन मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ते हैं। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन, ये लिख लिया ना सभी ने? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज व्हाट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इट इज। मान लो जैसे कि बहुत सारी ये हमारी बॉडी है, मैंने इसको इसके अबाउट घुमाया, मैंने क्या किया, इसके अबाउट इसको घुमाया। अब बेटा जब मैंने इसके अबाउट इसको घुमाया तो क्या होगा बताओ सभी लोग? इसके अबाउट घुमाया तो क्या होगा, रोटेशन होगा। अच्छा, अगर रोटेशन होगा तो अब मैं ऐसा चाहता हूं कि इसी एक्सिस को मैं वापस यहां ड्रॉ करता हूं, इसी एक्सिस के अबाउट मैं एक पॉइंट मास कितनी दूरी पे घुमाऊं, टोटल मास अभी भी m है, अभी पर क्या है, अभी कुछ मास इधर है कुछ मास इधर है, मेरे को इतना टफ लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसी एक्सिस के अबाउट एक पॉइंट मास कितनी दूरी पर घुमाऊं कि मुझे वही इफेक्ट मिले जो पहले मिल रहा है।
मतलब सर आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हो वो दोनों एक्सिस के अबाउट सेम चाहते हो। आई बराबर यहां पे होगा कुछ mr2, बोलो, या मैं कहता हूं कि यहां पे कुछ आई की वैल्यू होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी यहां पर, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 110% mk2 होगी, क्योंकि आपने लिखना सिखाया है एक पॉइंट मास के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मास और स्क्वायर कर दो, बोलो ना यार। लेकिन इन दोनों से जो रिजल्ट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, बोलो ना यार, हाँ या ना। तो mk2 = i, तो k बराबर √i/m। क्लियर हुई क्या बात सभी को? दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहलाता है ये? रेडियस ऑफ गायरेशन। सभी मासूम समझे क्या या नहीं? तो लिखो लिखो सभी लोग, मैं सिर्फ दो बार रिपीट करूंगा, है ना, डायग्राम वाइग्राम सब बाद में बनाना, पहले लिखो। इट इज द डिस्टेंस, हेडिंग डालो रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सेस वेयर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी अज्यूम्ड, वेयर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी अज्यूम्ड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड विदाउट चेंजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, विदाउट चेंजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। अभी डायग्राम बना लो और ये लिख लो। क्लियर हुआ सभी को? चलिए लिखा था, विदाउट चेंजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। ये डायग्राम बनाया सभी लोगों ने? ठीक है, अब और देखो, जैसे कि मान लो, ध्यान से देखना भी सभी लोग, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अबाउट इट्स सेंटर, mr2/2। उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे लिखेंगे? तो इक्वेट कर दो mk2 से mr2/2/mk2, तो k = r/√2।
ऐसे हर किसी की लिख सकते हैं, जितने फॉर्मूले हमने पढ़े थे, जितने फॉर्मूले हमने पढ़े थे उन सबकी रेडियस ऑफ गायरेशन लिखी जा सकती है, राइट? समझे इतना? अब देखो, अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे हम, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, है ना? जरा सब लोग ध्यान से देखना, रोटेशनल मोशन, मैं कुछ कुछ लिखूंगा, आप लोग देखना। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें किसमें, रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल या रोलिंग मोशन में, रोलिंग मोशन लिखते हैं ज्यादा क्लियर, इन रोलिंग मोशन। अगर मैं बात करूं रोलिंग मोशन में, तो रोलिंग मोशन में क्या होती है बताना जरा। सर अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखे ना रोलिंग मोशन में, तो वो निकल कर आती है इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट? आई को आज से मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे पता नहीं है ना बॉडी कौन सी है, लेकिन तुम सारे फॉर्मूले देखो जो जो मैंने तुम्हें लिखवाए हैं, सिलेंडर के, रॉड के, स्फीयर के, रिंग के, डिस्क के, इन सब में एम आर स्क्वायर के साथ कभी 2/5, कभी 3/7, कभी 1/2, कभी 1, कभी 1/4, यही आ रहा है। एम आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, हाँ ना बोलो? तो मैं आई को क्या लिख सकता हूं आज से, एम के स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा को भी लिख दो ना सर, प्योर रोलिंग चल रही है तो वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा लिख सकते हो ना? अरे एम के स्क्वायर सिर्फ के की वैल्यू तो अलग अलग रखना है सबकी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट? हाफ 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 एम वी स्क्वायर कॉमन ले लू तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग, क्लियर है? अब कभी कभी रेशियो पूछता है एनर्जी इन ट्रांसलेशन अपॉन में एनर्जी इन रोटेशन का या एनर्जी इन रोलिंग का, तो ट्रांसलेशन में कितनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल में कितनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये कट गया तो ये क्या बचा सर, ये बचा है 1 अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बोलो ना यार, क्लियर है क्या? लिखो इतना, ये रेशियो कभी कभी यूज आता है, चलो पहले लिखो इतना फिर मैं बताता हूँ आगे। लिखिए नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और फिर उसके बाद में सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय।